जातिनेव वर्णं न भवति पुरुषो नो न पुंसक नास्त्री नाकारं नो विकारं नहि जन्ममरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि मंगलं कौशलेन्द्राय महीनहे गुणाधये चक्रवर्ती तनजाय सार्वभौमाय मंगलं वेदांत वेद वेदाय मेघश्यामलं मूर्तये पुंसां पुण्यश्लोकाय मंगलं विश्वामित्रतरंगाय मिथिलानगरीपते भाग्यानाम परिपापकाय भद्ररूपाय मंगलम् वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् केशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम् हंत त्रिताप मनसव मुनि हंस सेव्यम्
सनमान साल पर पीत पराग पुंजम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम बातात्मजम वानरयोत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुस्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वप एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंद आर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु श्री परंपराम वंदे गुरु श्री परंपराम पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय अयोध्यानाथ की हनुमान जी महाराज की प्रयागराज क्षेत्र की संगम क्षेत्र की सब संतों की हम और आप अपने लक्ष्य की ओर आज भी आप सभी महापुरुषों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। सभी हमारे पूज्य हैं, अर्चनीय हैं, वंदनीय हैं, प्रार्थनीय हैं, सम्माननीय हैं, पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। शास्त्र की मर्यादा का पालन करना परम वंदनीय है। जब तक हम यथाचित्तम तथा वाचो यथा वाचस् तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायां च साधूनाम एक रूपतः, यह आपको और आपके जीवन को परम आवश्यक है। यह आवश्यकता बोलने वाले के लिए भी है और सुनने वाले के लिए भी है। साधु की महिमा चित्त की स्थापना में है। चित्त में जो आपकी क्रिया चलती है वही वाणी में भी होना चाहिए, और जो वाणी में होना चाहिए वही क्रिया भी होना चाहिए। कर्म वचन मन छाड़ छल जब लग जन न तुम्हार तब लग सुख सपनेऊ नहीं किए कोट उपचार। यदि आपको सचमुच सच्चे सुख की आवश्यकता है तो वह सच्चा सुख केवल आत्म अनुभूति में है। अस्तु भगवत संबंध में है, गोविंद की प्रीति में है, क्या यह आप स्वीकार करना चाहते हैं? क्योंकि यह मेरी वाणी नहीं है, कृष्ण दर्शन लालसा इस शास्त्र मर्यादा है। जब तक उत्कट लालसा उत्कट जिज्ञासा
गोविंद के चरणों में नहीं होगी तब तक यह शरीर एक सामाजिक अवस्था में ही जीता रहेगा। इस शरीर में रहने वाला शरीर ही अज्ञान के कारण समाज से कुछ सम्मान की उपलब्धि करना चाहता, अहंकार की पुष्टि करना चाहता, पर शास्त्र इस बात का त्याग करते हैं। आपको सावधान करते हैं, बंधुओं, अज्ञान अवस्था में जीते जीते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर व्यतीत हो चुके हैं। अब हम प्रयागराज क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग की गोद में हैं और हमको पंक्ति याद आती है, अर्थ ना धर्म ना काम रुच गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। आप ध्यान देना, यह भरत जी महाराज के हृदय के भावानगत भाव आपके समक्ष, क्योंकि हम सब उस मर्यादा को स्वीकार करना चाहते हैं, करना चाहिए, जो जीवन का सदुपयोग हमारे साथ जुड़ जाए। आप और हम कोई अलग नहीं समझना, कोई मंच पर बैठता है और कोई नीचे बैठ के सुनता है। मैं तो बड़ी कड़ी बात कहता हूं, सुनाने वाले बहुत हैं और यदि सुनने वाला नहीं होगा तो सुनाएगा किसको? इसलिए उतना ही सम्मान श्रवणकर्ता का है जितना सम्मान पठनकर्ता का है, सुनाने वाले का है। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तो मैं तो आपसे हृदय का अनुरोध करता हूं, हृदय से सम्मान करता हूं, सचमुच यह साधु जीवन धर्म की धरोहर है। आप धर्म के धर्मध्वज हैं, आप धर्म के पालन करता है, आप समाज को धर्म का स्रोत का पालन करने के लिए प्रवक्ता हैं, पर वस्तुतः क्या आपके जीवन में यह सच्चाइयां हृदयगत हैं, आपके जीवन में अनुभूतिगत है, आप इस शब्दों का अनुपालन करते हैं क्या? बंधुओं, आप मेरे हैं और यह रामकृष्ण नगर आपका ही है। रामकृष्ण नगर का तात्पर्य, चाहे आप राम कहें चाहे आप कृष्ण कहें, अनंत रूप रूपाए विष्णुवे पर विष्णुवे, परमात्मा एक ही है, वह अनंत रूपों में व्याप्त होता है। हमारे सनातन धर्म की स्मृति के अनुसार, सनातन धर्म की प्रकृति के अनुसार, सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार, हम भगवान के अनेकों अवतारों को स्वीकार करते हैं। हमारी संस्कृति में जल की पूजा है, थल की पूजा है, पहाड़ की पूजा है, वृक्ष की पूजा है, गौ की पूजा है, ब्राह्मण की पूजा है, देवताओं की पूजा है,
संतों की पूजा है, पर हमारे शास्त्रों में प्रत्येक हृदय में बैठे हुए परमात्मा की पूजा विशिष्ट है। हम इस बात पर विचार करें कि क्या हम केवल एक मानव मात्र की सेवा करके ही अपने आप को सफल मान लेते हैं? ऐसा शास्त्र मर्यादा सम्मान तो करता है मनुष्य जाति का, और मनुष्यों में ब्राह्मण का और ब्राह्मणों में साधुओं का सम्मान तो करता है, पर जीव मात्र परमात्मा का ही स्वरूप है। अणु से लेके परमाणु से लेके हिमालय पहाड़ की ऊंचाई तक, एक चींटी से लेके हाथी तक शरीर वाला, उसके अंदर विद्यमान परमात्मा अंतर्यामी स्वरूप से निहित है। क्या हमारा हृदय इस बात को स्वीकार करता है? इस पर विचार करना है। हम सब कुंभ पर्व में आए हैं, यहां पर बड़े बड़े महापुरुषों के अखाड़े लगे हुए हैं, सभी सम्माननीय हैं, वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं, पूजनीय हैं, विशिष्ट वंदनीय हैं। पर बंधुओं, आपके चरणों में एक प्रणाम करके निवेदन करना चाहता हूं, हमको इस परंपरा का ध्यान देते हुए केवल अपने चित्त को गोविंद के साथ संबंधित करने का प्रयास करना है। आपका संबंध केवल भगवत जनित है। मैंने आपको कल भी कहा था, संसार में दो साधन हैं, एक असाधन है एक साधन है। संसार की ओर दौड़ने का नाम असाधन है और परमात्मा की ओर चलने का नाम साधन है। अब आप किसको स्वीकार करना चाहते हो, इसमें आप स्वतंत्र हैं। पर बंधु, आपसे सानुरोध निवेदन करता हूं, आगमा पायनो अनित्या, संसार में जितना दिखाई देने वाला परिवर्तन है, ये बदलने ही वाला है, ये टिक नहीं सकता। पूर्व काल से आज तक टिका नहीं और आगे टिक नहीं पाएगा। आप सभी संतों से एक उदाहरण के लिए अनुरोध करता हूं, यह प्रयागराज क्षेत्र का वही प्रांगण है जहां 6 महीने पूर्व एक कपड़े के कोई महल दिखाई नहीं देते थे और 6 महीना बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारा कैंप किस स्थल पर था। यह सारी प्रकृति बदलने वाली है। संतो सावधान, यह शरीर भी बदलने वाला है, एक टिकाऊ सौधा नहीं है। जो हम शरीर का अभिमान करते हैं, शरीर से आसक्ति करते हैं, शरीर से मोह करते हैं, शरीर का प्रतिपादन करने के लिए, पुष्टि करने के लिए अनंत झूठों का आश्रय लेते हैं। विचार करना, आपको मैं किन शब्दों से कहूं, झूठ से बढ़कर और कोई पाप नहीं है, और परनिंदा से बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। इसलिए आपको मेरा तो निवेदन रहेगा, मैं प्रवक्ता के रूप में
आपके समक्ष प्रवचनकर्ता के रूप में आपके समक्ष उपस्थित नहीं हूं, मैं आपके चरणों की सेवा के लिए और हम और आप सावधान कैसे हों, अपनी सावधानी के लिए, क्योंकि साधक वही है जो सदैव सावधान रहता है। यत किंचित असावधानी होने पर दुर्घटना ही हुआ करती है। जब हमारे चित्त में असावधानी आती है तो विचार करना, हम संसार की ओर दौड़ पड़ते हैं, नगण्य पदार्थों की ओर दौड़ पड़ते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए हम पुनः अनेक जन्मों की तैयारी करने के लिए विषयों में लोलुप हो जाते हैं। बंधुओं ध्यान देना, संसार के विषय सुखदाता नहीं है। जो भोगते समय सुख महसूस देते हैं वह भविष्य में नरक की तैयारी कर देते हैं। आप ध्यान देना, जो वर्तमान में सुख दिखाई देता है उस सावधानी से सुने, जहां वर्तमान में सुख दिखता है, जहां वर्तमान में सुख भोगने की लोलुपता दिखाई देती है बंधुओं, वह भविष्य में निश्चित गर्त की संभावना है। मैं आपको केवल निवेदनकर्ता के रूप में सावधान करता हूं, संसार की कोई वस्तु आपके काम की नहीं है। संतो अबलो नशानी अबना न सही हो, ध्यान देना, यह जगत आकर्षण का केंद्र है, आकर्षित करने वाली प्रक्रिया है, पर बंधु है कुछ नहीं। आपने समाज में जन्म लिया है, आपने अपने माता पिता से जन्म लिया है, आप समाज की संपूर्ण प्रक्रियाओं को जानते हैं, पर बंधुओं ध्यान देना, जगत में तुम्हारा सहारा देने वाला गोविंद के अलावा और कोई है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। इसलिए मेरा निवेदन तो आपके चरणों में है कि हम और आप केवल अपनी सावधानी, अपनी सजग्रता में सावधान रहें, भूल करके भी संसार के प्रलोभन में, संसार की कीर्ति में, ये ध्यान देना बंधुओं, हमारे संत समाज में, हमारे विद्वत समाज में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की रीति बनी हुई है। जब हमारे कोई पैर छूने आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और मैं तो कहता हूं बरसाती मेंढक की तरह, बरसात में जो मेंढक डोलते हैं और बच्चे उनसे लकड़ी लगाते तो फूल जाते हैं। ध्यान देना, संसार का सम्मान आपके लिए धोखा देने वाला है। यह संसार फूल से मल का शोभा देख लुभाया, और मारी चोंच रुई जब निकसी सिर धुन धुन पछताया, भजन बिन बाबरे। अरे बंधुओं, जीवन का सार आपका केवल भगवत चिंतन है, आपके गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त
गुरु मंत्र ही आपके जीवन का सार है। और मैं तो एक बात और भी कहता हूं, यदि मेरी बात आप ध्यान से सुने तो जितने मठाधीश हैं ना, जितने भारतवर्ष के कोने में यदि हमारे फक्कड़ एक नियम ले ले कि एक जगह ही प्रसाद लेंगे, दोबारा लेंगे ही नहीं 24 घंटे में, तो ये जितने बने हुए इस प्रधा के महल हैं सब फीके हो जाएंगे। आप ध्यान दो, मेरी बात पर ध्यान दो। आप में वह शक्ति है, आप उस परमात्मा के अंश हैं, आप सर्वशक्तिमान स्वरूप हैं। बस आप जग जाएं, आपका जीवन सफल हो जाएगा बंधुओं। पर शर्त एक ही है, कर्म वचन मन छाड़ छल। ध्यान देना, जो जितना बड़ा वक्ता होता है वो उतना ही बड़ा लवार होता है। इस बात पर बड़ी कसौटी से समझना, क्योंकि केवल गोविंद की लीलाओं का चिंतन करने वाला तो यथा ब्रजकोप का नाम, जो केवल गोविंद का चिंतन करता है वह कोई अद्भुत साधक होता है। उसके लिए एक ही जिज्ञासु पर्याप्त है। जैसे संसार में एक ही सूर्य प्रकाश करता है, प्रकाश सबको मिलता है, जंगल में एक ही शेर दहाड़ता है, जंगल का राजा कहा जाता है, एक ही सती सारे विश्व में अपना प्रकाश करती है, ऐसे ही सच्चा संत जगत में एक ही प्रकाश करता है। बंधुओं, आप प्रयागराज क्षेत्र में यह संकल्प करें कि हम अब आगे अवलो नशानी अवना नशई हो। आज तक का जीवन जो हमारा विस्मृति में गया अब नहीं जाने दूंगा, अब स्मृति में गोविंद पर स्मृति में ही जाने दूंगा। इस पर विचार करना। आप सभी स्वस्थ चित्त हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, आपकी 21,600 श्वासें चलती हैं, प्रत्येक प्राणी मात्र की 21,600 श्वासें चलती हैं, उनमें मनुष्य वंदनीय है और मनुष्य में विद्वान परम वंदनीय है और विद्वानों में आचरणीय परम पूजनीय है और आचारवानों में जो जीवन में कम से कम 25,000 हरिनाम प्रतिदिन लेते हैं वह परम पूज्य परम पूज्य परम पूज्य है। ध्यान देना, एक बनिया का बेटा अपनी मूलधन ही कमा दे तो क्या धंधा करेगा। आप तो संत हैं, आपकी 21,600 जो श्वास हैं वो आपका मूलधन है। यदि हम संसार के लोलप पदार्थों में, संसार के विषय भोग वासना में अपनी श्वासों का क्षरण करते हैं, अपनी श्वासों को विस्मृत करते हैं, तो भला बताओ हमसे बड़ा और धिक्कारनीय कौन हो सकता है। इसलिए संतों, आपके चरणों में मेरा नमन है, आपके चरणों में मेरी साष्टांग प्रणाम है। आप अपने गुरु के लाल हैं, आप माता के पुत्र हैं, आप देश के एक नियामक है। विचार करना कि हरि नाम की विस्मृति ना हो जाए। यदि
आपकी हरि नाम की विस्मृति होती है तो विपद विस्मरणम विष्णु, आप सहज विपत्ति खरीदते हैं। विपत्ति का मुख्य लक्षण है गोविंद की विस्मृति। विपत्ति का तात्पर्य है भगवान को भूल जाना। लोग क्या कहा करते हैं कि महाराज वस्त्र नहीं है, कंबल नहीं है, भोजन नहीं है, धिक्कार है। आप उस परम पुरुष परमात्मा के अंश होकर के संसार के पदार्थों की आशा करते हैं। विचार तो करो, वह हमारे माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्य नेव जाने नैव जाने न जाने। ओ हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे बंधु भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे इष्ट भी हैं, हमारे सर्वस्व है। ध्यान देना, आप संसार में जीने वाले संसार को देखने वाले मानव हैं। एक माँ शिशु को जन्म दे करके कितनी सुरक्षा करती है, और हमारा परमात्मा तो अनंत अनंत माताओं के समान वात्सल्य को प्रगाढ़ रूप से बरसाता है। ध्यान तो दो, इस सृष्टि में 70% सृष्टि हमारे नेत्रों से दिखाई नहीं देती, 30% सृष्टि हमको आंखों से दिखाई देती है, 70% सृष्टि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई देती है। उन सभी में वह परमात्मा का अंश, परमात्मा की एनर्जी, परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। वही शक्ति आप में भी विद्यमान है। बंधुओं, उस शक्ति का सदुपयोग करना, वह शक्ति स्वरूप परमात्मा को अपना बनाना है। हम अपने संतों से भी प्रार्थना करते हैं कि वह अपना कार्य शुरू कर दे, क्योंकि पत्तल चलाना तो आप शुरू कर दीजिए, परंतु मैं अपने संतों से केवल एक ही प्रार्थना के लिए बैठता हूं, भगवत प्रसाद भी आवश्यक है, परंतु भगवत चिंतन परम आवश्यक है। भगवत प्रसाद से क्षुधा की निवृत्ति होगी, और भगवत चिंतन से जन्म जन्मांतर की निवृत्ति होगी। आप बताओ, क्या आप गोविंद से प्रीति करना चाहते हो कि जगत के लोलुप पदार्थों से? संतों, जगत के पदार्थ आपके काम आने वाले हैं नहीं, अभी तक किसी के काम नहीं आए। भोगो न भुक्ता वयमेव मुक्ता, स्तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, स्तृणा न जीणा वयमेव जीणा, कालौ न याता वयमेव याता। संतो, सावधानी का विषय है, आप में वही शक्ति है जो बड़े बड़े पंडाल वालों में शक्ति है। आप विचार करें, हमारे देश में एक बात उठती है, समय समय पर आप सुना करते हैं कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा आप सुना करते हैं। पर ये विचार तो करके देखो, वह चाय बेचने वाले का बिल पावर कितना बुलंद रहा होगा, उस चाय बेचने वाले के हृदय का बल कितना दृढ़ रहा होगा,
उसने प्राणी मात्र के हित की कितनी बड़ी कामना की होगी। आप सावधान रहे, मैं आपको कोई भी बात उन शब्दों से घोषित नहीं करना चाहता हूं जो कि आपको भुलावे की ओर ले जाए। मैंने रामेश्वरम में जाके अब्दुल कलाम की कुटीर को देखा जो हमारे देश का राष्ट्रपति बना। मैं उस अब्दुल कलाम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक मछुआरे के परिवार में जन्म लेकर के, एक छोटे से प्रांगण में जीवन व्यतीत करके उसने कितना विल पावर, हमारे देश को कितनी एनर्जी, हमारे देश को कितना बड़ा सम्मान दे के गए हैं। वो हमारे देश के एक इकाई के रूप में जन्मे थे, पर हमारे देश के एक प्रगाढ़ के रूप में देश को एक बल दे करके इस शरीर को त्याग करके गए। आप विचार करें तो आप वही शक्तिशाली हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई यहूदी है, ना कोई पारसी है। यह तो एक समाज का धर्म है, पर आप एक वैष्णव धर्म में जीने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया के जीवन में जीने वाले हैं। आप सनातन धर्म को स्वीकार करने वाले हैं। संतो, यदि आप सावधान होंगे तो देश सावधान होगा। आपकी एनर्जी हमारे समाज को मिलेगी। आप सत्य स्वरूप परमात्मा को स्वीकार करने वाले एक इकाई हैं, उस परमात्मा के एक अंश हैं, आप समाज के एक पूज्य हैं। मैं आशा करता हूं हमारे संतों से समाज में कभी कोई त्रुटि ना हो। ध्यान देना, हम मंचों से बोलते हैं, जबी तक बोलते हैं जब तक पोल नहीं खुलती। जबी तक हम अपने आप को बड़े पूज्य कहते हैं जब तक समाज में हमारी घृणित अवस्थाओं का डिंडिम घोष नहीं हो जाता है। बंधुओं, अपने आचरणों पर, अपनी मनोवृत्ति पर कंट्रोल करना हमारे साधकों का परम धर्म है। अभी समाज में, हमारे संत समाज में, हमारे प्रयागराज कुंभ के प्रांगण में, हमारे देश के परम पूज संतों का आगमन हुआ है। उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, परंतु एक निवेदन जरूर करता हूं। संतों का परम कर्तव्य है, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, और राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। विचार करके तो देखो, हमारी राष्ट्र की सीमाओं पर हमारे देश के नौजवान यंग, आपने विचार किया होगा, कारगिल, सियाचिन, चाइनीज बॉर्डर, जहां पर -30 और -40 तक टेम्परेचर जाता है, हमारे देश के जवान वहां पर अपने दो दिन बिता के पीछे आते हैं, फिर दूसरे जाते हैं। क्या आपने विचार किया हमारे देश की सिक्योरिटी पर, व्यवस्था पर? आप उसी देश के नागरिक हैं बंधुओं, आप उसी देश के एक जवान हैं बंधुओं, आप भी इस देश के लिए कुछ करेंगे, आप इस देश के एक सच्चे भक्त बनेंगे। हम यह नहीं कहना चाहते कि पार्टियां तो बहुत सारी हुआ करते, यह भी पार्टी एक नशा होता है, लोगों को अपना अपना नशा हुआ करता है,
परंतु मैं संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण संतों से निवेदन करता हूं, सभी को एक ही नशा हो, हम भारत माता के संतान हैं, हम भारतवासी हैं, हम देश के लिए, देश हमारे लिए। इसी के साथ मैं आपको पुनः सावधान करता हूं कि यदि बंधुओं आपकी विस्मृति हुई तो आपका यह छोटा सा देश बिखर जाएगा। यह शरीर रूपी देश, इसकी संभाल आपको ही करनी पड़ेगी बंधुओं। इस शरीर की सुरक्षा जैसे आप प्रति क्षण करते हो, उसी क्षण आप विचार करें, उसी ढंग से हम अपने देश की भी सुरक्षा करेंगे। देश हमारा है, हम देश के हैं, परंतु साथ ही साथ हम पुनः कहते हैं, लोक वेद व्यापारन न्यासः। यदि हमको भगवान की ओर बढ़ना है, भगवत चिंतन की ओर जाना है, तो बंधुओं हमको लोक के, वेद के, व्यवहार के बातों पर ध्यान ना देते हुए केवल मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। अब हम थोड़ा सा हरि नाम और जय भी बोलेंगे। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राजा राम राजा राम राजा राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम,
सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम संत चलाते रहो राम राजा राम राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 जेवत संत हरि हर करें धन पुरुषन के भाग जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आज बोलो संतो मधुरी बानी प्रेम से श्री हरे इधर सब्जी चलाते रहो सब्जी राम कृष्ण देव की पुराण ब्रह्म नारायण की सच्चिदानंद घन नारायण के ज्योति स्वरूप नारायण के अव्यय पुरुष नारायण की लक्ष्मी नारायण की अयोध्या नाथ की अवधपुरी मतपुरी की अबाध सरजू के सरजू प्रजा के आद सरजू के वशिष्ठ जा सरजू के सरजू महारानी की हनुमान जी महाराज की हनुमान गढ़ी के रतन सिंहासन की सीता रसोई की श्री राम जन्म भूमि की श्री राम लला ठाकुर की चारों भैयन की चारों महारानियों की
कनक भवन की, कनक भवन बिहारी बिहारण की, सुग्रीव जी महाराज की, मातगढ़ की, विभीषण जी महाराज की, विभीषण कुंड की, नागेश्वरनाथ की, राम घाट की, लक्ष्मण घाट की, भरत कुमार घाट की, ऋषुदान घाट की, राज घाट की, ऋणमोचन घाट की, अयोध्या धाम की, चित्रकूट धाम की, कामतानाथ भगवान के, मंदाकिनी गंगा के, प्रमोद वन की, हनुमान धारा की, फटेक शिला की, अनसुईया आश्रम के, गुप्त गोदावरी क्षेत्र की, सर्वांग मुनि की, सुतीक्षण मुनि की, आगाश मुनि की, कमला बिमला की, मिथिला धाम की, जलेश्वर महादेव की, रंग भूमि की, मणि मंडप की, जनकपुर क्षेत्र की, जनक के जमाई की, भरत के भाई की, शालिग्राम भगवान की, मुक्तिनाथ क्षेत्र की, दामोदर कुंड की, पशुपत नाथ की, परशुराम कुंड की, सब संतों की, नवद्वीप चंद्र की, नवद्वीप बिहारी की, नित्यानंद महाप्रभु की, नीलाचल धाम की, जगन्नाथ भगवान की, बलभा सुभद्रा की, बेड़ी हनुमान की, चंदन तालाब की, सिंहाचलम क्षेत्र की, सिंहाचल बिहारी की, गोदावरी क्षेत्र की, कृष्ण गंगा क्षेत्र की, पन्ना नरसिंह की, नरसिंह भगवान की, कावेरी क्षेत्र की, रंगनाथ भगवान की, रंगनाथ भगवान की, त्रिविक्रम भगवान की, बामन भगवान की, विष्णुकांची शिवकांची तीर्थ की, कन्याकुमारी क्षेत्र की, मीनाक्षी क्षेत्र की, रामेश्वर भगवान की, सुचिंद्राम भगवान की, पद्मनाभ भगवान की, जनार्दन भगवान की, किष्किंधा क्षेत्र की, पंपा सरोवर की, अंजनी नंदन की, अंजनी गुफा की, ऋषिमुख पर्वत की, मधुबन बिहारी की, पंडरपुर क्षेत्र की, पंडरीनाथ भगवान की, आलंदी क्षेत्र की, ज्ञानेश्वरनाथ की, एकनाथ जी महाराज की, तुकाराम जी महाराज की, नासिक क्षेत्र की, पंचवटी तीर्थ की, तपोवन बिहारी बिहारण की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, कुशावर क्षेत्र की, साव संतों की, डाकोर धाम की, रणछोड़ राय की, दाऊजी महाराज की, काठिया स्थान की, श्री स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज की, श्री स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज की, जूनागढ़ क्षेत्र के, गिरनार पर्वत के, दत्तात्रेय भगवान की, कमंडल कुंड के, सोमनाथ भगवान की, सोमनाथ भगवान की, सुदामा जी महाराज के, द्वारकाधीश के, द्वारकाधीश की, नागेश्वर भगवान की, गोपी तलाव के,
बिंदु सरोवर की, कपिल भगवान की, देवहूति माता की, करदमजी महाराज की, सब संतों की, नारायण सरोवर की, आबो पर्वत की, गलता गादे की, बद्री विशाल की, बद्री नारायण भगवान की, केदारनाथ भगवान की, गंगोत्री यमुनोत्री क्षेत्र की, ऋषिकेश पर्वत की, ऋषिकेश पर्वत की, नीलकंठ महादेव की, हरिद्वार क्षेत्र की, सप्त सरोवर की, कनखाल क्षेत्र की, सती माता की, चंडी माता की, मनसा देवी की, वृंदावन धाम की, वृंदा महारानी की, जमुना महारानी की, राधा बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा रमण लाल की, राधा श्याम सुंदर की, राधा दामोदर की, राधा रस बिहारी ठाकुर की, गिरिराज महाराज की, मानसी गंगा की, चकलेश्वर महादेव की, हरदेव जी महाराज की, राधा कुंड श्याम कुंड की, बरसाने धाम की, राधा रानी की, आठ सखियों की, नंदा ग्राम की, नंद के लाला की, यशोदा मैया की, दाऊ भैया की, आठ सखान की, समस्त वृंदावन धाम की, प्रयागराज क्षेत्र की, तीर्थराज प्रयागराज क्षेत्र की, संगम क्षेत्र की, अक्षय वट की, भरद्वाज मुनि की, याज्ञवल्क मुनि की, कुंभ पर्व की, कुंभ के सभी संतों की, चार धाम की, चार संप्रदाय की, बामन द्वारे की, अनंत कोट वैष्णव की, समस्त पूर्वाचार्यों की, जगदू स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की, अनंतानंदाचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी खोजी जी महाराज की, श्री स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज की, श्री स्वामी रामहरदास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान योगीराज परशुरामदास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान योगीराज परशुरामदास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान योगीराज परशुरामदास जी महाराज की, सब संतों की, अन्नपूर्णा माता की, निर्वाणी अखाड़े की, श्री स्वामी पिपाजी महाराज की, श्री स्वामी पिपाजी महाराज की, श्री स्वामी पिपाजी महाराज की, सब संतों की, राम कहे सुकूप जे, कृष्ण कहे दुख जाए, मेहमा महाप्रसाद की, संतो पावो प्रेम लगाए, प्रेम से श्री हरे।